साथियों, कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है। इसलिए देश में दशकों तक किसानों की हालत लगातार इतनी खराब रही है। उनके दौर में जैसे काम होता था उसके लिए मराठी में कहावत है और उस कहावत में कहते हैं, बारशाला गेला आणि बाराव्याला आला। परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती थी फिर भी काम नहीं पूरा होता था। विदर्भ को कांग्रेस सरकारों के इस रवैये का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हमारी सरकार विदर्भ को उतनी ही ज्यादा प्राथमिकता देकर काम कर रही है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी पूरी शक्ति से आप सभी की सेवा में जुटे हुए हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का निर्माण करवा रही है। आज नागपुर से गोवा के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत का ग्रीन हाईवे बन रहा है। वर्धा, सेवाग्राम, पुलगांव और हिंगनघाट जैसे क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध हुई है। वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ के बीच रेलवे लाइन और वर्धा से बल्लार शाह के बीच रेल ट्रैक जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दामनगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आरवी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है। वर्धा के सिंधी में ड्राई पोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है। यानी विदर्भ अब पिछड़ेपन के उस दुष्चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ को फंसा कर रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही विदर्भ के किसानों को इतने दशकों तक आर्थिक तबाही से जूझना पड़ा है। ये हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज हमारे इन किसानों की समृद्धि के महामार्ग बनेंगे।